दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। सो बात करने जा रहे हैं हम दीदी की दुनिया के बारे में। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, तो सोचा चलो भैया चलती, वो कहते ना नदी में हाथ धोना, बहते तालाब में हाथ धोना, समथिंग लाइक दैट, तो इस तरीके का काम हम भी कर ले और थोड़ी सी इनकी पोल खोल दी जाए। दीदी ने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें बोला था कि मैं ना ऐसे ही आ जाती हूँ उठकर लोअर टी शर्ट पहन के, लोग तो फोटो जब वीडियोस में आते हैं मेकअप करके आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं, तो दीदी आप भी फुली मेकअप करके आते हो। इनका मैं बताती हूँ, कभी इनकी आंखों से काजल नहीं हटता, कभी इनके होठों से लिपस्टिक नहीं हटती, क्रीम वगैरह सब कुछ इनके फेस पे लगती है जब ये आती है कैमरे के सामने। तो अगर आपको कपड़े पहनना है जो आप पहन रही है वैसे पहन के आपको आना है, आइए, लेकिन ये सफाई क्यों देना कि मैं तो ऐसे ही उठ के आ जाती हूँ। आप उठ के ऐसे ही नहीं आती है, आप फुली मेकअप करने के बाद में कैमरे पर आती है। इसके अलावा इन्होंने अपना जो है एक कंटेंट क्रिएट करते हुए आज मॉर्निंग में एक वीडियो डाली, जिसे देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई। मैंने कुछ सवाल अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट भी किए थे। अब इन्होंने एक वीडियो डाली, इसमें इन्होंने अपने जो बड़े भाई हैं उन पर इल्जाम लगाया, भैया भाभी पर इल्जाम लगाया कि भाई मेरे पापा तो छोड़ने के लिए गए थे स्कूबी को, लेकिन उनको घर तक में नहीं जो है उन्होंने सोने की इजाज़त दी और होटल में रुकाया। इस पर मेरी मम्मी ने कहा, वैसे तो मम्मी ने उनका ही साथ दिया भैया भाभी का, कि तुम्हारी गलती है, तो ऐसी कौन सी गलती है जो तुम्हारे पापा ने की है जिसकी वजह से तुम्हारे भैया भाभी ने उन्हें घर तक में नहीं रुकने दिया। कृपया इस पर भी थोड़ी प्रकाश डालिए, और आपको अचानक से अपने छोटे भाई पर इतना ज़्यादा प्यार क्यों हो रहा है? वो दोनों भी तो भाई बहन है ना, आपस में भाई भाई है। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि एक दूसरे को के घर जा रहा है और उनका डॉग छोड़ने के लिए वहां पर जा रहा है, क्या आप तो उन्होंने किस कंडीशन में उसको बुलाया हो, कुछ कह सकते हैं आप? इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि आप तक किस कंडीशन में बुलाया, और वो अगर एग्री हुआ इस चीज़ के लिए कि भाई मैं छोड़ के आ जाऊँगा, और आपके पापा भी अपनी मर्जी से अगर वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? आपने तो सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो वीडियो अपलोड कर दी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मुझे चिंता हो रही है, भले ही अंकुर मेरे लिए कुछ भी कर ले बट मुझे चिंता हो रही है। तो आपकी चिंता नहीं थी, आपको सिर्फ एक वीडियो डालनी थी, जो आपने टारगेट एक दिन का लिया हुआ है कि भैया मुझे तीन वीडियो डालनी है, भले ही उनमें कुबाड़ा मैं भर दूं, तीन वीडियो डालूंगी जिससे कि मेरी जो 50,000 सैलरी आ रही है महीने की वो मेरी कम ना हो जाए। तो आप उसमें कबाड़ भरती है, वही आपने इसमें भरा है। तो कबाड़ भरने के लिए, और आपको पता था कि इस तरीके की वीडियो डाल के आपके जो व्यूज 10,000 जा रहे हैं वो लगभग 15-20,000 तक पहुंच ही जाएंगे। इसके बाद में आपका भाई अगर जवाब देने पर आया तो वो व्यूज और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका दोबारा से झगड़ा होगा। क्योंकि आपको अगर आपको अंकुर से कुछ मतलब नहीं है तो आपने फिर इस चीज की इतनी चिंता क्यों जताई? आप कह रही हैं वहां पे कि आपको पापा की चिंता थी कि मेरे पापा उसके बाद डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन और टेंशन दोनों अलग चीज होती है। हर एक चीज को डिप्रेशन में चले गए, हर एक मिनट में डिप्रेशन में जाना, तो डिप्रेशन एक बहुत अलग चीज होती है। तो ये बार बार बोलना कि डिप्रेशन डिप्रेशन, मुझे समझ में नहीं आता यार, लोगों को जब किसी चीज की परिभाषा ही नहीं पता होती है तो उस चीज को इतना इश्यू क्यों बना देते हैं? डिप्रेशन एक बहुत ही भयंकर चीज होती है, इसको इतना एकदम लाइटली लेके कि डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में, भैया डिप्रेशन में इंसान कैसा हो जाता है आपको नहीं अंदाजा है। तो ये डिप्रेशन का नाम मत लो। और जिस इंसान को पीने की आदत होती है वो हर एक छोटी चीज पर पीता है, हर एक खुशी में पीता है, हर एक टेंशन में पीता है, उसको सिर्फ पीने का बहाना चाहिए होता है, तो उसको डिप्रेशन का नाम ना दो। और सबसे बड़ी डिप्रेशन आप है अपने घर की, आप हर एक को बदनाम करती है, और आपने ही यूट्यूब पर अपने घर वालों को, अपनी मम्मी पापा को, अपने भाई भाभी को जो देहरादून में इतनी दूर बसे हुए हैं उनको, सास ससुर को, अपने साथ में रहने वाले भाई को, इंक्लूडिंग आपने अपने कुत्ते तक को नहीं छोड़ा, आपने अपने बच्चों के जो पड़ोसी हैं उनको तक नहीं छोड़ा, आपने किसी को तक नहीं छोड़ा। और आपका जो और ज्यादा आपके भयंकर आप बनी इसके बाद में, आपने यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ा, तो आप किसी को नहीं छोड़ती है। तो इस वजह से जो ये चीजें हो रही हैं आपके हरकतों की वजह से इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है। आप दूसरे पर ये ब्लेम मत करिए कि वो इतना खराब है कि उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आपको अगर उससे इतनी प्रॉब्लम थी तो आप भागती हुई उनके घर पर क्यों गई थी, जब आपको उनके घर पर नहीं जाना था, आप उनसे बात तक नहीं करती, आपको आप उनके घर पर क्यों गई थी, आपने क्यों वहां जाकर 3-4 जो है वीडियोस बनाए डाली? क्योंकि आपको वहां पर ड्रामा क्रिएट करना था कि आप वहां लड़का देखने के लिए आए थे और लड़का आपको देखने के लिए आ रहा था, आपने वहां पर यही ड्रामा किया था ना, जब जिस वक्त आप देहरादून गए थे, आपको जस्ट ये दिखाना था
इसके अलावा आपने वहां पर कुछ भी नहीं किया। इंसान जब इतने दिनों बाद अपने रिलेटिव के यहाँ जाता है ना, किसी के यहाँ जाता है, इंक्लूडिंग सही भाई बहन के यहाँ जाता है, तो अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है, उनके साथ अच्छा रहने की, टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने वहां क्या किया, आपने वहां पर भी जो है हंगामा ही मचाया है। तो आपको कौन अपने घर में बार बार बुलाएगा या कुछ भी? और अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आप क्यों उनके घर पर गई थी? और आप अगर चली गई थी तो उसी चीज के लिए, अगर अंकुर भी इस चीज के लिए कि भाई वो बहुत ज्यादा वरीड था इस कुबी को लेकर, वो बार बार इस चीज को शेयर करता था कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं नहीं रख सकता, लेकिन जो उसकी हालत है मुझे इस पर दुख होता है, मैं मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। तो अगर उसको इस कुबेर के लिए भी चिंता थी और वो उसको लेके चला गया, तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उस चीज से क्यों हुई? जस्ट आपको कंटेंट क्रिएट करना था, बाकी आपको किसी चीज से प्यार नहीं था। आपने क्लेम कर दिया कि भाई बड़े भाई की वजह से मेरे पापा जो है पी रहे थे, लेकिन आपने कहीं भी ये बात शेयर नहीं की कि आपके बड़े जो पापा है उनको स्कूबी ने काट लिया है। अब जिस लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि स्कूबी ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो आपको मैं बता दूं कि कुत्ता जो होता है अगर उसको गाड़ी में ले जाया जाए तो कई बार वो इतना ज्यादा होपलेस हो जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको ये चीज सहन नहीं होती। कुत्ते को होता है, मेरे कुत्ते को भी होता है, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि काट लेगा। उसने मुझे कई बार पंजे भी मारे, काटे भी, लेकिन मैं उसको वहां पर बैठाती हूँ, शांत रखती हूँ, और यही काम करने की वजह से जो है वो उस सफर किया जाता है उसके साथ में। इतना ज्यादा आसान नहीं होता बहुत से डॉग्स के साथ में सफर करना, बहुत को पसंद होता है लेकिन बहुत को पसंद नहीं होता। तो इसी हड़बड़ाहट में हो सकता है कि उसका दांत उग लग गया हो या फिर कुछ ऐसा हो गया हो। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, चीज को अगर आप कुत्ते को गाली दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है, उसमें कुत्ते की कोई गलती नहीं है। इसके बाद अगर आपको पापा की इतनी चिंता थी तो आप शराब की वजह, जो शराब वो पी रहे थे उसकी वजह आप उनको वैक्सीन लगवाते, उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, ना कि आप यहाँ पे बैठ के कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे होते जो आपने अभी किया है। इसके बाद ये मैडम अभी भी नहीं मानी है, ये अपनी हरकतों पे कायम है, इन्हें अपने जो पैसे का इतना ज्यादा घमंड है, उस पैसे का जो इन्होंने इतने लोन लेके दिया हुआ है, किसी वीडियो में छापती है 25,000 थंबनेल में लिखा होता है टाइटल में, तो इनका क्या हो रहा है कि ये सिर्फ अभी यूट्यूब पर नया ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया हुआ एक अच्छी लड़की का, कभी ये बस ये दुनिया को दिखाती है कि ये बहुत अच्छी है, बस दुनिया बहुत ज्यादा खराब है। और अभी आज के बाद जो ड्रामे शुरू होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अगले लेवल पर जाने वाले हैं। अभी थोड़े दिनों में इनका रोने पीटने का भी ड्रामा चलेगा, तो बने रहिएगा इनके चैनल पर ये ड्रामा देखने के लिए। जिनको ये ड्रामा देखने का शौक है, हम कभी ये नहीं कहते कि आप उनको देखना बंद कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप सच में डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते, जो रियल वाले डिप्रेशन में है, तो इनकी जो हरकतें हैं उनको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। वैसे तो कुछ लोगों को आदत होती है कि टीवी पर चलने वाले सीरियल्स को भी बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, तो कभी भी जो ये सब ड्रामे इस तरीके के चलते हैं और दिखते हैं, इनको ज्यादा सीरियस लेके अपने माइंड पर जोर डालने का नहीं, क्योंकि इनके घर का जो ये मामले हैं तो शांत हो जाएंगे और इनको चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके घर में कोई आता है जाता है या नहीं आता है या नहीं जाता है। पड़ोसी गाली दे रहे हैं, इधर वाले गाली दे रहे हैं, उधर वाले गाली दे रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इनको अच्छी तरीके से जान चुके होंगे वो समझ चुके होंगे इस चीज को, लेकिन इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से अगर आप लोग इतने ज्यादा सीरियस होंगे, इनको देख रहे हैं कि एकदम डिप्रेशन में आ जाए, तो ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ आपको डिप्रेशन में डालने की, आपसे इमोशनली आपको परेशान करने की हरकत है और कुछ नहीं है। और आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि इस चीज पे घमंड करने की कि आपने कितने करोड़ की या कितने लाख की प्रॉपर्टी आपने जोड़ ली है, इस घमंड को करने से अच्छा ये सोचिए कि जब आपका बच्चा बीमार होता है या आप बीमार होते हैं, आप पैसे के लिए रोती है, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की है वो उधार पर की है। उस उधार से अलावा अगर आप इसके बारे में सोचती और अच्छी तरीके से पैसे को जहां कन्वर्ट करना चाहिए था ना वहां करती, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। और यूट्यूब एक ऐसी चीज है जिस पर आप आज है, आज चल रहा है, कल को डाउन जाएगा, परसों को और ज्यादा तेज चल सकता है, तो इस पर कोई इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, करना है तो अपनी करनी पर करें कि आपको इतना ज्यादा भगवान दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसको कहां से यूज करना है, किस तरीके से करना है, उस चीज पर घमंड करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।